को कत्ल हुआ एक जाड़ो जावेद बोल के कार्यक्रमा का रउडी शीटर है, उसको खालिद होटल अंसारी रोड पे उसको मार दिया। उसी केस के वजह से आज 5 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग जूनियर से छोटे उम्र के हैं, तो इसलिए उसको यहाँ प्रेस मीट में नहीं पेश कर रहे। और इसका वजह एक है, उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने इन लोगों को रोक के उसको धमकी दिया। इसी के वास्ते इसके मन में रखते हुए उसी रात को ये लोग सब एक साथ गए और ये खालिद होटल को जो जाड़ो जावेद रोज़ रात को आता है वहीं पे उसको मार दिया। वहीं वो गिर गया और उसको हॉस्पिटल ले उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए, वहीं उनको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया। और इसी केस में और कुछ लोग को भी अभी अरेस्ट करना बाकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मारने की वजह उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने इनको रोक के इनको धमकी दिया, उस पर झगड़ा हुआ उस शाम को 3-4 बजे टाइम पे। उसके मन में रखते हुए और रात को सब लोग इकट्ठे हुए, जमील के उसने सब लोग इकट्ठा किया और वहाँ जाके उसको मार दिया गया। कितने लोग हैं सर? अभी तक 7 लोग हैं जिसपे हमारे इन्वेस्टिगेशन में 5 लोग अरेस्ट हो गए, और कुछ भी हो सकता है, और कोई इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें जो कंस्पिरेसी में उनसे प्लानिंग में पूरा, अभी जो 2 लोग बाकी है उनको पकड़ने के बाद पूरा फाइनल हो जाएगा। नहीं, वो लोग रास्ते में जा रहे हैं और रोक के उसको रोका और उसको झगड़ा हुआ और झगड़ा में वो धमकी दिया। वो जाड़ो जावेद जो है उसका बहुत केस ऐसा है उनके ऊपर, रोड़ी शीट के, और उसी रात ये लोग आके मार दिया। जो इंसिडेंट हुआ वो प्लेस कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो 3 रोड वो मिलने का पॉइंट है, और वही पॉइंट है जो है वो 3 पुलिस स्टेशन का, एक साइड फलकनामा पड़ता रोड का, एक साइड मलारदेव पल पड़ता और एक साइड काला पत्थर। तो ये गिरना भी वो जो गिरा है वो पॉइंट भी ये 3 पुलिस स्टेशन का मीटिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वही डिमार्केशन बॉर्डर है 3 पुलिस स्टेशन का। नहीं, इसने जो शाम को झगड़ा हुआ उसमें जाड़ो जावेद ने उस जमील को फादर को बोला कि तुम्हारा बाप चोर है, उसको क्या बोलते वो जाफर,